पार्ट वन वीडियो में मैंने आदत बता दिया है, पार्ट टू में मैं आपको एंड्रोशियम से फिर से रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टैमेंस। स्टैमेन रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। आइए देखते हैं एंड्रोशियम कहाँ पे है। ये देखिए एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ठीक है। ये देखिए एंथर, ये है फिलामेंट, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये देखिए ये सब यहाँ पे फिलामेंट जो है फ्यूज्ड है सिंगल बंडल में, ठीक है, इसीलिए इसको मॉडल रल्फस स्टैमेन कहेंगे। देखो यहाँ, सो हियर यू कैन सी दैट ऑल द फिलामेंट्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल बंडल इज कॉल्ड मोनोडल्फस स्टैमेन। एंड्रोशियम यहाँ पे मोनोडल्फस स्टैमेन होगा, जो कि मैंने आपको फ्लावर दिखाया चैनल मोनोडल्फस स्टैमेन जो है, इसकी कंडीशन जो है चैनल रोज में शो करती है, मैंने आपको चैनल रोज का फ्लावर भी दिखा दिए। अब आते हैं गाइनोशियम में। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ कार्पल्स। गाइनोशियम जो है कार्पल से बना होता है। कार्पल रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ थ्री, कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो थ्री पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए स्टिग्मा है पहला पार्ट, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए 1 2 3 पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखिए 1 2 3 करके पूरा ऐसे से करिए, देखिए पूरा स्टिग्मा दिख रहा होगा अच्छे से। ये देखिए स्टिग्मा है, इसका फंक्शन क्या है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म करते इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये है स्टाइल, स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। लास्ट पार्ट क्या है, ओवरी, ओवरी जो है बेसल बस्ट पार्ट ऑफ कार्पेल, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है पूरा अच्छे से, ठीक है। ये मैंने इधर दिखा, देख लीजिए, ये है स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, और स्टाइल जो है इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, और ओवरी जो है बेसल बस्ट पार्ट ऑफ कार्पेल, ठीक है। ये देखिए, देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से, देख लीजिए पूरा, इसको पढ़ लीजिए। आइए हम आपको पूरा चीज़ दिखा देते हैं जो मैंने पूरा वीडियो में बनाया है। पहले देखिए, पहले मैंने दिखाया आपको एपी कैलिक्स, ठीक है, ये एपी कैलिक्स है जो फ्लावर में था। फिर मैंने जब उसको निकाला तो उसमें कैलिक्स जो था जो प्रोटेक्ट कर रहा था फ्लावर को। फिर ये जो है इसके बाद कोरोला है, कोरोला जो होता है अट्रैक्शन का काम करता है इंसेक्ट के लिए, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है इस पर बैठते हैं और इसको सक करते हैं, ठीक है। ये अट्रैक्शन का काम करता है पॉलिनेशन के लिए, जो कोरोला है वो इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए यूज़ होता है, पेटल्स, ठीक है, इसको पेटल्स कहेंगे। फिर हम लोग आते हैं एंड्रोशियम मेल पार्ट में। देखिए ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे मोनोडल्फस कंडीशन शो करी जाती है, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल चैनल है जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ये देखिए स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब हम लोग इस ओवरी को, जो ये यहाँ ओवरी दी है, जब इस ओवरी को ऐसे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा, जो हम लोग ब्लेड के यूज़, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, ब्लेड के यूज़ से मैंने इसको काटा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी, जब काटेंगे तो ये देखिए ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए दिखा रहा, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, इसमें एक्सेल प्रेजेंटेशन पहले स्लाइड में रखेंगे, फिर स्लाइड में कुछ जेल ये सब डाल के फिर जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, एकदम बड़ा सा अच्छे से एकदम एक्सेल प्रेजेंटेशन शो करेगा। ये देखिए इस दिस ऑल अबाउट दिस, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दिस, यही सब है इसमें। मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बता दिया कैसे क्या करना है, मैंने फ्लावर को भी आपको दिखा के बताया, ठीक है। आप अगर आप मतलब नीट के स्टूडेंट हैं तो आप इसको मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका क्या क्या फंक्शन क्या है। अगर 11 के जो बच्चे हैं वो सब इसको देख लीजिए, क्योंकि जो है प्रैक्टिकल जब होता है तो ये सब इसका हिबिस्कस फ्लावर का यूज़ किया जाता है, तो आपको प्रैक्टिकल में काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, और बताइए कि आपको मेरी हिबिस्कस जो डिसेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर को कैसा लगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर हिबिस्कस फ्लावर अगर आप लिए हैं तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, कोई पूछ ले हिबिस्कस फ्लावर में बताइए तो आप बता सकते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद। इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।